जिनका अंतःकरण निष्पाप निर्मल हो चुका है, जिनके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा जागृत हो गई है, ऐसा साधन संपन्न उपासक परमात्म तत्व में प्रवेश पाता है, अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर वो स्थित हो जाता है। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, तो उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेन्द्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते, हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेन्द्रिय प्रभु को स्पर्श करना चाहती है, घ्राणेन्द्रिय प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहती है, श्रवणेन्द्रिय प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेन्द्रिय का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेन्द्रिय जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभगति व्यभिचारी, व्यभिचारी शुभ गति चाहे, असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए वाली दशा रहती है। तो हमें 50 वर्ष हो गए, अरे 50 जन्म हो जाए, तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, सो समय व्यतीत कर, अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति में, 1 बार नाम काफी है। वो स्थिति तो लाओ, बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता, बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो, अवलो नशानी अब ना नशई हो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि छंतो ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है, जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते हैं, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते, जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। पर यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा सहत सहत बाढ़ भगति तास्तिति क्षस्व भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोधादि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ, ये स्थाई नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। यदि छंतो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो,
ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है। इसमें मन ही मार तनहारिक वृंदावन में गाज, इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थ यात्रा भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। हाँ, सुन लिया सत्संग, बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता। यहां लक्ष्य वालों की बात हो रही। यदि क्षंतो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरंती, आप सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन, आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीर नाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के, कहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं या भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे, तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे, विचारवान बनो। ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोक ग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोक ग्रस्त है, कुमलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, ये है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना, ये विषयी पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपक, ये विषयी पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है, आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी, एक सेकेंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान तो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा था, तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम, तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो मां के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता, व्यर्थ में वीरपात करते हो, व्यर्थ में। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम अध्यात्म के योगी बनोगे, मजाक है अध्यात्म का मार्ग।
होश में हो जाओ, ये मन की दुलार को बंद करो। जब तक इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की तो फिर तुम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे? भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे होगी जब तुम्हारी इस तरह से निंदनीय वृत्तियां हैं? इंद्रियों को दुलार कर रहे हो, मन को दुलार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, आचरण नीच और चाहते हो उच्च पदवी। सावधान हो जाओ। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम् चरन्त। ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। आप उसको केवल भगवत प्राप्ति से ही मत समझिए। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, स्वस्थता की आवश्यकता है, प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं। मरा हुआ जीवन, रोज सुबह शाम निकल रही, रोज जीवन जा रहा, किस काम का जीवन? गया गई, रात्रि गई, दिन गया, समय जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे हाथ क्या लग रहा है? क्या प्राप्त कर रहे हो? विचार ही नहीं रह गए, विवेक ही नहीं रहे, पशुवत बस ऊपर चमड़ी में सुंदरता का लेप करके और मलमूत्रों के भांड में प्रियता करके पूरा जन्म नष्ट कर देना। कैसी धिक्कारमयी बुद्धि हमारी है। जहां हमें मुक्त होना चाहिए वहां मांग क्या रहे? कोई बिरला ही मुक्त होना चाहता है। वो बिरला वही होता है वीतरागाहा, जिसका राग नष्ट हो गया है, वो वैराग्यवान चाह करता है भगवत प्राप्ति की। जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी इंद्रियां शांत हो जाती है। सिद्धांत समझो, खूब भगवत भजन करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है तो ब्रह्मचर्य नष्ट करो, नहीं तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। हर समय थोड़ी तुम्हारे अंदर विकार रहता है। बहुत सात्विक गृहस्थ हमने दर्शन की, बहुत सात्विक, अब तो ऐसा देखना सुनना बोलना खाना पीना हो गया है कि ब्रह्मचर्य तो एक स्वप्न जैसी बात है, कोई इसे धारण ही नहीं करना चाहता। उसका कुपरिणाम सब भोग रहे हैं, सब भोग रहे हैं। नई अवस्था है, पता नहीं चलता है कि इसका जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन क्या है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोई बाहरी संसारी हो तो चलो, बेचारे को मार्ग नहीं पता है, रोज सत्संग सुनते हैं, उनको यह पता नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है। अभी तक कैसे कैसे यही समझ में नहीं आता, उद्देश्य क्या है तुम्हारा? भोग उद्देश्य है तो नाटक क्यों कर रहे हो? जाओ मरो जाके भोगों में। अगर योग उद्देश्य है तो फिर चूक क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो। संपूर्ण इंद्रियां शांत हो जाती उसकी जिसके अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा और ब्रह्मचर्य पालन। शब्द याद करो, ये शास्त्र है। यही तो हम चाहते हैं, इंद्रियां शांत हो जाए, यही चाहते हैं हम। भोग नहीं चाहते हम सब। हमारी इंद्रियों में जब वेग आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, ये कैसे शांत होंगी? तो पूर्वाभ्यास रहा है, यही रास्ता रहा है कि जब वेग आवे तो इंद्रियों से भोग करो तो शांति मिल जाएगी, ऐसा। और ये उल्टा है, त्यागात शांतिरंतरम, भोग का वेग आए सह जाओ तो शांत हो जाओ। पर उल्टा बात हमारी बुद्धि सिखाती है कि भोगों को भोगो तो शांति मिल जाएगी। और भगवान कह रहे, जिन्होंने रचना रची इंद्रियों की और भोगों की भी, वो कह रहे त्यागात शांतिरंतरम, तुम उनका त्याग कर दो तो शांति को प्राप्त हो जाओगे। चाहते हम शांति ही है पर हमारी दुर्दशा है। एक आदमी गंगा के किनारे शांत बैठा, गंगा की तरंगों में आनंद ले रहा था। उसका मित्र आया, ओ वो कैसे बैठे हो? शांत बैठे। अरे नहीं भाई, कुछ करना चाहिए। वो चुप, बोलो ना कुछ करना चाहिए। करने से क्या होगा? कुछ करोगे तो पैसा मिलेगा, पैसे से क्या करेंगे? भोग सामग्री लेंगे, भोग सामग्री से क्या करेंगे? भोगेंगे, भोगने से क्या होगा? शांत हो जाएंगे। बोले तुम्हारी गलत बात है, भोगों से शांति तो प्राप्त नहीं होती। मैं अभी शांत बैठा हूं और तुम मुझे अशांति की प्रेरणा दे रहे हो कि कुछ करो, धन मिलेगा, उससे भोग मिलेगा और भोग के बाद शांति मिलेगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, भोगों के भोगने से अशांति और तृष्णा पैदा होती है। बस ऐसा ही मेरा मित्र मन है, ये सिखाता है, यही सिखाता है।
हम शांत बैठना चाहते हैं, ये मुझे अशांति के मार्ग में लेकर शांति दिखा रहा है। संभालो संभालो, सबसे चूक हो सकती है, चूक को संभाल ले वही साधक है। अगर चूक ना हो तो साधक थोड़ी हो, तो सिद्ध है। साधक का शब्द ही है कि वो साधना कर रहा है, उससे चूक हो सकती है, पर वो चूक पुनरावृत्ति में नहीं आनी चाहिए। एक बार चूक हो गई, संभाल लिया। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते हैं जो संभाल ली जाए। जो बार बार पुनरावृत्ति की जाती है वो अपराध है, वो दंड है, उसको भोगना पड़ेगा। कोई और दंड नहीं देगा, वही क्रिया वही चेष्टा तुम्हारी तुम्हें जला देगी, तुम्हें अशांत कर देगी। एक क्षण की चेष्टा पूरे जीवन भर के लिए तुम्हें जलन पैदा कर सकती, पूरे जीवन। एक चेष्टा तुम्हें विमुख कर सकती है, पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, ये समस्त साधनों का आखिरी फल है। जब कोई भगवत प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य, ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब, ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। आपको परेशानी इसलिए होती कि आप उसी का चिंतन करते हैं। चिंतन छोड़ दीजिए, अभ्यास के द्वारा ऐसा चिंतन कीजिए। ऊपर प्रभु ने वर्णन किया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अपने चित्त को प्रभु के नाम रूप में लगाइए। भोगों का चिंतन ही ना हो तो कोई परेशानी नहीं भोग त्यागने में। भोग त्यागने में इसलिए परेशानी है कि हमारा भोग चिंतन मुझे चैन से नहीं रहने देता। अंदर से देखिए, कोई भी भोग क्रिया होने के पहले उस भोग में तदात्म होता है और चिंतन होता है, क्रिया बाद में होती है, सब कार्य पहले हो जाता है चिंतन के द्वारा। अब चिंतन के द्वारा उससे जो सुखानुभूति हो रही, अब वो क्रिया में सुखानुभूति प्राप्त करना चाहता वो है नहीं। फिर क्रिया के बाद फिर चिंतन, फिर क्रिया फिर चिंतन, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। चिंतन बदल गया, फिर क्रियाओं का कोई महत्व ही नहीं रह गया, भोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जिसका अखंड चिंतन चलता है, कोई भी विषय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, सब इंद्रियां शांत हो जाती है। अब उससे प्राप्त हुआ जो आखिरी फल है साधना का, भगवान कह रहे ये आखिरी फल है। पदम संग्रहेण प्रवक्षये, वो उस परम पद में प्रवेश कर जाता है। परम पद में अच्छी तरह से उसका प्रवेश हो जाता है, अर्थात फिर कभी नहीं लौटता है, उसे परम पद कहते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राण मास्तितो योग धारणं ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। श्री भगवान कह रहे, जब वो ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति की इच्छा करके चित्त से निरंतर मेरा चिंतन करता है तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक दिया, आंखें खुली हैं या बंद, केवल नाम दिखाई दे रहा या मंत्र दिखाई दे रहा या मंत्र अधिष्ठात्र देवता श्यामा श्याम दिखाई दे रहे। ये आंख बंद करके ध्यान लगाना कमजोरी है, क्योंकि अभी उसे बाहर कुछ और दिख और अंदर कुछ और, इसलिए जब बाहर भीतर एक बात हो जाती है तो आंख खुली रहे तो भी नहीं दिखाई दे रहा और कुछ, वो आंख बंद रहे तो कोई समस्या नहीं। खुली और बंद केवल पलकों का भेद है, अंतर के चिंतन का चिंतनीय तत्व उसकी दृष्टि के सामने होता है। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक लिया, बड़ा कठिन है, देख लो बहुत कठिन है। फिर मन को हृदय में निरुद्ध कर दिया, हृदय के सिवा मन जा ही नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का कोई चिंतन नहीं, मन अमना। प्राणों को सूक्ष्म करके मस्तक पर चढ़ा लिया, इसे योग धारणा कहते हैं।
और फिर समय ओ ये भगवान का नाम है, ओम ये ब्रह्म स्वरूप है। इसी से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। वेदों का जनक है प्रणव, ओम आउमा, इन्हीं से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। बड़ी महिमा है ओम की, उद्गीत। एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक चिंतन करते हुए माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए वो जब शरीर छोड़ता है तो सीधे परम गति को प्राप्त होता है। आप घबरा जाएंगे, नहीं घबरा जाएंगे ना ये बात सुन के। समस्त इंद्रियों को रोक कर, मन को हृदय में निरुद्ध करके, प्राणों को इतना सूक्ष्म कर लिया है कि ब्रह्मरंध में स्थापित कर दिया, और ओम उच्चारण करते ब्रह्मरंध फटा, परम गति को प्राप्त हुआ। ये है शुद्ध परम योगी की गति। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो बिल्कुल सरल बात कह रहे हैं और उसके साथ साक्षी भी दे रहे हैं कि ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। आरती मदन गोपाल की कीजिए, देव ऋषि व्यास सुखदास सब कहत निज, क्यों न बिनु कष्ट, क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। हरिवंश महाप्रभु कह रहे बड़ा एक कष्ट का मार्ग है, चूक हो गई तो परम गति नहीं मिलेगी, लेकिन हम तुम्हें हंसते खेलते परम गति का मार्ग बता रहे। हित सजनी जो परम कृपाल है, मदन गोपाल को अपने घर का ठाकुर मान लो, पद्मासन लगा के, प्राणों को सूक्ष्म करके, इंद्रियों को निर्विषय करके, मनोनिग्रह करके, प्राणों का चिंतन करते हुए योग बल से प्राणों को मस्तक पर धारण करके, ब्रह्मरंध का भेदन करके परम गति को, वो परम गति बहुत हल्की होगी जो यहां मिलेगा। इस परम गति को प्राप्त महापुरुष भी महारानी जी के निकुंज में झांक भी नहीं सकते, नहीं झांक सकते, बहुत दुर्लभ रस है ये। क्या करो, बिल्कुल क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। परम गति यही तो है लालजू महाराज, और कौन है, यही परम पद।